हाँ जी, तो लास्ट क्लास में क्या देखा था? गैस वन देखा था, इसमें देखेंगे गैस टू। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप फॉर्म ऑफ दी वर्ब पढ़ रहे हैं, उसमें स्पेशल केसेस चल रहे हैं। ठीक है, सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें स्पेशल केसेस चल रहे हैं, जिसमें यह है केस नंबर टू। ठीक है, यानी कि केस का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि भाई जो टेंस हमने पढ़े थे वो इनको कंप्लीट मतलब कवर नहीं किया, नहीं कर पाते हैं, है ना। टेंस टेंस थोड़े अट करके, थोड़े हटके, अलग हट करके ये जो रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या है केस के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, क्या है इसमें। तो यदि दो वाक्य यानी दो सेंटेंस दिए हुए हों और किसी एक सेंटेंस में यानी कि वाक्य में सिंस फॉर और प्लस टाइम दिया हो और दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस हो, तो खाली जगह में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो हमने फर्स्ट केस देखा था उससे थोड़ा क्या उसका अपोजिट है। ठीक है, उसमें हमने देखा था यहां तक तो बिल्कुल सेम था। ठीक है, कि हमारे पास कोई एक सेंटेंस होता है, बड़ा सेंटेंस जिसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि दो पार्ट मतलब उसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस में आपको है ना, जरूरी नहीं है दो सेंटेंस हो, एक ही सेंटेंस में भी हो सकता है कि एक तरफ आपको क्या मिल जाएगा, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम मिल जाएगा, दूसरी तरफ क्या मिलेगा, पास्ट टेंस मिलेगा। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब क्या है, जो हम चार टेंस होते हैं यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें से कुछ भी अगर मिल जाए, पास्ट टेंस मिल जाए, तो आप जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें क्या फिल करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल कर देंगे। ठीक है, जो हमने केस में देखा था उसमें यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओ सॉरी प्रेजेंट टेंस था, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इनमें से कुछ भी, यानी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए बस, और ऊपर तो यही था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बोला, क्या कर रहे थे, हम क्या फिल कर रहे थे, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, बबीता ब्लैंक टू गेट अ जॉब फॉर 2 years व्हेन फाइनली शी गेव अप द होप। क्या मतलब हुआ इसका, हमको क्या देखना है बस, सिंस फॉर ऑल इनमें से एक कोई और देखना है, तो ये रहा फॉर और बाद में टाइम भी आना चाहिए, तो ये रहा टाइम 2 years। ठीक है, उसके बाद क्या मिलना चाहिए, हमको पास्ट टेंस मिलना चाहिए, तो ये रही वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, तो पास्ट टेंस मिल गया, ये भी मिल गया, तो हमको क्या फिल करना है, हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम क्या फिल कर देंगे, ये हैड बीन, वर्ब क्या है, ट्राई, तो ये हो जाएगी ट्राइंग। ठीक है, चलिए यहां देख लेते हैं, सीता ब्लैंक फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, ये रहा फोर और ये रहा 5 days, यानी कि टाइम, और ये रहा 5 days मिल गया। उसके बाद देख लेते हैं, व्हेन शी रिसीव्ड, और ये रही सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो रही है और ये भी कंडीशन दोनों मिल गई, तो हम क्या फिल करेंगे, हैड बीन सफरिंग फिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन सफरिंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। ये देख लीजिए, यस्टरडे यहाँ स्टार्ट में दे दिया उसने। ठीक है, यस्टरडे से पता चल रहा है ये क्या है, पास्ट टेंस है। द रोड वर्स देखिए, स्लिपरी बिकॉज इट ऑल नाइट, ये ऑल और ये नाइट, यानी कि टाइम, ऑल नाइट मिल गया और यस्टरडे से भी पता चल रहा है और यहाँ पर वर्ब से भी हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। वैसे वाज वर्ब जो आता है किसमें आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, और ये ऑल नाइट है सारी, तो ये क्या हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए लास्ट देख लेते हैं, मनका ब्लैंक इन दिस स्कूल फॉर 10 years। ठीक है, तो ये रहा फोर और ये रहा 10 years, टाइम मिल गया, वेन के बाद आई रीड, तो यहां पर ये रीड है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चल रहा है ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि रीड की
सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म रिडेड होती है। किसमें चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर। इससे पता चल रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो क्या भी करेंगे? हैड बीन टीचिंग, ये हो जाएगा हैड बीन टीचिंग। ठीक है, चलिए। अगर आपको ये पता पहचानने में नहीं आ रहा है कि भाई पास्ट टेंस कैसे हुआ, तो आप लोग टेंस देखिए या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखिए। टेंस देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले टेंस देखिए और अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लेंगे, उसमें आइडेंटिटी देख लेंगे, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पास्ट सिंपल टेंस देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस क्या, सारे टेंस देख लीजिएगा, सारी आइडेंटिटी देख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा टेंस कौन सा होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब कि कौन सा वर्ड कौन से टेंस में आता है, जैसे कि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और यस्टरडे किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। लास्ट ईयर, ये भी वर्ड किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। तो चलिए, बाकी तो आपको पता है मैं क्या बोलूंगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, ये कर दीजिए, बोल दीजिए, पता है ये सर। तो चलिए कर दीजिएगा फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर क्लास केस नंबर 3 देखेंगे। चलिए बाय।